जब कभी भी अगर आप डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को देखें तो अगर अच्छा क्वेश्चन रहेगा ना तो उसको तुरंत चबाने मत लग जाना कि नहीं ये मिल गया तुरंत डिफरेंशिएशन करना चालू कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप उसे थोड़ा ध्यान से देखें आखिरकार वो क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है, ठीक है। उसमें आप देखेंगे कि बहुत थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, बाकी उसमें जो है अदर मेथड्स भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए हमें ये फंक्शन दिए हैं, करें कि इफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश 1 प्लस एक्स इंटू एफ डबल डैश 2 प्लस एफ ट्रिपल डैश 3, ठीक है। करें फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर देन एफ एक्स बताइए। तो यहाँ पर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर कहने का क्या मतलब है कि आप ध्यान से देखना ये क्या दिख रहा है, ये पॉलिनोमियल है, ये क्या है पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्योंकि ये जो डेरिवेटिव है ये क्या होंगे, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होंगे, बाकी तो ये तो क्या है ये पॉलिनोमियल लिखा गया है, तो इसलिए इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना इसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं, एफएक्स पूछ रहे हैं। तो यार हम एफएक्स कैसे फाइंड करेंगे, लेकिन हमको तो ये तो पता है कि ये जो यहाँ पर ये डबल डैश ट्रिपल डैश लिखेंगे ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर हम इसका एक एक बार डिफरेंशिएशन करते जाएं और इसमें 1, 2, 3 डाल के वैल्यू निकाल के और इसके जगह पर रख दे तो हमें एफएक्स मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, पहली बार इसका डिफरेंशिएशन करते हैं एफ डैश एक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2x, ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट ऑस्टेंट का यहाँ देखना प्रोडक्ट रूल मत लगाने लगना, ये क्या है कांस्टेंट है कैसे, क्योंकि ये एक बार डिफरेंशिएशन किया गया होगा उसमें 1 डाला गया होगा, जो वैल्यू आई होगी वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। तो एफ डैश 1 प्लस इसका क्या हो जाएगा ये एफ डबल डैश 2, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। आइए दूसरी बार इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ना ये एफ डबल डैश 2 की भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, 1 की भी 3 की भी, इसलिए हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब इसमें 1, 2 डाल के इसकी वैल्यू निकालेंगे। आइए दूसरी बार करते हैं, दूसरी बार हमें उसे नहीं करना, इसी के बार और डिफरेंशिएट करें, 6x प्लस ये क्या हो जाएगा 2 एफ डैश 1, ठीक, ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। आइए तीसरी बार करते हैं, एफ ट्रिपल डैश एक्स, इसी के एक बार और कर दीजिए, 6 हो गया, ये तो कांस्टेंट था 0 हो गया, यानी एफ ट्रिपल डैश एक्स की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर देखिए, ठीक। अब ये बताइए ये है क्या यार, ये कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन मतलब क्या है कि आप डोमेन कुछ भी डालिए जो उस कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू होगी वही हमेशा मिलेगी। कहने का मतलब है कि ये कांस्टेंट फंक्शन है एफ ट्रिपल डैश एक्स जो है, और इसकी वैल्यू हर एक इनपुट पे हमेशा क्या रहने वाली है, 6 रहने वाली है, यानी वाई एक्सिस में देखेंगे 6 6 6 मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया कांस्टेंट। यहाँ पर अगर आप एफ ट्रिपल डैश 3 भी निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा यार, 6 ही तो आएगा, यानी हमें एफ ट्रिपल डैश मिल गया। अब यहाँ पर 2 की निकाल लीजिए, 1 की निकाल लीजिए, आइए 2 का निकालते हैं, एफ डबल डैश 2 क्या हो जाएगा, चलिए इसमें डालते हैं 12 प्लस 2 एफ डैश 1, अब इस एफ डैश 1 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। आइए यहाँ पर इसको भी निकाल लेते हैं, एफ डैश 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर x है ना, अब जब यहाँ पर 1 डाल देंगे जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 1 पहुँच जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 3 इंटू 1 के स्क्वायर मतलब 3, 2 इंटू 1 इंटू एफ डैश 1 मतलब 2 एफ डैश 1, ठीक। एफ डबल डैश 2 यहाँ पर दिया है तो उसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, क्या है 12 प्लस 2 एफ डैश 1, ठीक। अब यहाँ पर आप लोग देखिए 2 एफ डैश 1 प्लस 2 एफ डैश 1 4 एफ डैश 1, ये इधर जाएगा घट जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या 3 एफ डैश 1, और यहाँ पर ध्यान से देखना 12 और 3 15 इधर आएगा तो माइनस 15 हो जाएगा, ये इससे कटेगा, तो यानी आपको एफ डैश 1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस 5। यहाँ पर देखिए एफ डैश 1 की भी वैल्यू आ गई, ठीक, एफ डैश 3 की भी वैल्यू आ गई। आइए एफ डैश 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर जब आप एफ डैश 1 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर एफ डबल डैश 2 क्या आ जाएगा, ये एफ डैश 1 यहाँ पर डालिए तो 5 यहाँ पर डालेंगे माइनस 10 हो जाएगा और प्लस 12, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा इसकी 2 आ जाएगी। अब इस फंक्शन में जैसे ही आप वैल्यू रख देंगे ना तो यहाँ पर देखना हम यहीं पर डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, एफ एक्स हमारा क्या आ जाएगा एक्स पावर 3, अब ये एफ डैश 1 है क्या माइनस 5, तो यहाँ माइनस 5 डालेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 5 एक्स स्क्वायर, ठीक। ये एफ डबल डैश 2 क्या आया है 2 आया है, तो यहाँ जैसे ही डालेंगे क्या हो जाएगा 2x, ये एफ डबल ट्रिपल डैश 3 क्या आया है 6 आया, ये हमारा क्या है फंक्शन। इसीलिए कहते हैं ना कि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन देखो तो डायरेक्ट उसको चबाओ मत, मतलब उसको सॉल्व मत करो, पहले उसको थोड़ा सा देख लो, उसमें हो सकता है डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगे, बाकी अदर जो चैप्टर्स हैं जैसे क्वाड्रेटिक हो गया, एलिमिट हो गया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, अदर चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।